हेलो मनी नाइन, ये है हमारा खास शो जिसमें हम आपके लाइव सवालों का जवाब देते हैं। तो आज तो पर्सनल फाइनेंस के यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एक ही बात की चर्चा हो रही है कि बजट 2023 में क्या कुछ हुआ है, और सबको ये जानना है कि टैक्स में किस तरह के बदलाव हुए हैं, न्यू रिजीम को इतने सारे जो फ़ायदे मिले हैं उसमें आप कहाँ फिट बैठते हैं। यानी अगर आप मेरी तरह ओल्ड टैक्स रिजीम के ज़रिए ही अपना टैक्स अभी अदा कर रहे थे, रिटर्न फाइल कर रहे थे, तो क्या हमें और आपको नई टैक्स रिजीम में स्विच करना चाहिए, किस आधार पर हमें यह फैसला लेना चाहिए। तो इन सब सवालों का जवाब आज हम देने वाले हैं आपको। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप अपने सवाल मुझ तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो आप या तो हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट के ठीक नीचे जो कमेंट बॉक्स है यूट्यूब और फेसबुक में आपको जो नजर आता है वहां जाकर के अपने क्वेश्चन लिखिए। कुछ क्वेश्चन तो मेरे पास आने भी शुरू हो गए हैं। ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू ऋषिकेश। थोड़ी देर में हम आपके सवाल का जवाब देंगे। तो या तो आप इन कॉमेंट बॉक्स में जाकर के अपने सवाल लिख सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121874। ये है हमारा नंबर। हमारा ईमेल आईडी भी यहां पर है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं, ट्विटर पर आप मुझे या मनी नाइन के हैंडल पर अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं। सवाल आप जितने क्लैरिटी से लिखेंगे हमारे एक्सपर्ट उतने क्लैरिटी से उसका जवाब दे पाएंगे। यानी सारी डिटेल्स दीजिए, अपना नाम, उम्र और शहर का नाम बताइए, आपका मोबाइल नंबर हमें इसलिए चाहिए ताकि हम आपसे सीधा कनेक्ट कर सकें और आप खुद हमारे शो में जुड़कर हमारे एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकें। कोई सवाल में जुड़ी हुई कोई और बात अगर हमें जानी हो, यानी एडेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हम आपसे सीधा पूछ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारे एक्सपर्ट हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नितेश बुद्धदेव, निमित कंसल्टेंसी के ये फाउंडर हैं। थैंक यू सो मच नितेश, आज आपने वक्त निकाला। आई एम श्योर कल जब से बजट पेश हुआ है तब से लेकर अभी तक आप भी बहुत सारे कॉल्स का जवाब दे रहे होंगे कि क्या करना है, नई रिजीम में शिफ्ट हो जाए या पुराने में ही बने रहें। और एक डर मेरे जैसे लोग जो पुरानी रिजीम में अभी टैक्स पे कर रहे हैं कि लगता है कि पुरानी रिजीम को बहुत जल्दी बाय बाय कह दिया जाएगा। ये इंडिकेशंस तो बिल्कुल साफ है कि पुरानी रिजीम बहुत जल्दी जो है ये बंद हो सकती है। बहुत जल्दी से मेरा मतलब ये नहीं कि अगले साल, लेकिन हाँ ऐसे इंडिकेशंस मुझे मिल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, और ये आपको जो न्यू रिजीम को जो इतना ज़्यादा प्यार मंत्री ने दिया, इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? थैंक यू प्रियंका मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने जैसे ही बताया, यस कल से एक चीज बजट के बारे में बात कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है न्यू रिजीम वर्सेस ओल्ड रिजीम, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट था अगर पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो। पर आपने बिल्कुल सही कहा, लास्ट ईयर बजट में भी आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने एक सॉफ्ट हिंट तो दे दी थी कि हम है ना आगे जाके पुरानी रिजीम को, मतलब जो ओल्ड रिजीम है उसको आगे जाके थोड़े डिसअलाउंस तो करेंगे, मतलब वो हिसाब से उसको डिस्करेज कर रहे हैं और उसको खत्म करने की पूरी ठान ली है जैसे बोल सकते हो। और वही दिखा है यही बजट में, जो अमृतकाल का फर्स्ट बजट बोला है मोदी गवर्नमेंट ने, और मोदी गवर्नमेंट के सेकेंड टर्म का ये लास्ट फुल फ्लेज बजट है। yes. इंटेंशन काफी क्लियर है प्रियंका, मुझे लगता है ये जो स्लैब में चेंजेस किया है और जितने भी बेनिफिट दिए आपने देखा न्यू रिजीम को दिए है, वो न्यू रिजीम में जो स्लैब चेंज किया, 3 लाख तक छूट दी, फिर जो रिबेट दिया, प्लस जो सुपर रिच को भी जो फायदा दिया, ये पूरे न्यू रिजीम में ही हुआ है। मैं बिल्कुल आपकी राय सहमत। वो जो घर में जब नया बच्चा आता है ना उसे ज्यादा प्यार मिलता है, तो अभी नया है न्यू टैक्स रिजीम और इसे कुछ ज्यादा ही प्यार जो है इस बार के बजट में हमें दिखा है। अच्छा नितेश, जब वित्त मंत्री ने कहा, जब उन्होंने सारे अनाउंसमेंट किए उसके एंड में उन्होंने कहा कि अब न्यू टैक्स रिजीम जो है वो है डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम, इसका मतलब थोड़ा सा हमें डिकोड करके बताइए। डिफॉल्ट सिस्टम अगर ये है तो ओल्ड रिजीम क्या सिस्टम है, और अब जब हम टैक्स भरने जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर का, इस असेसमेंट ईयर 23-24 का, तो क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रियंका, क्योंकि काफी लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये डिफॉल्ट बोल रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं कि ओल्ड रिजीम ऑफ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अभी तक कैसा था ओल्ड रिजीम बाय डिफॉल्ट, आपके आप अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन मिल जाता था, अगर सैलराइड हो तो भी आपको ओल्ड रिजीम का बाय डिफॉल्ट ऑप्शन मिलता था, मतलब आपका जो टीडीएस वगैरह जो भी कैलकुलेट होता था सैलराइड हो तो उस हिसाब से होता था। और आपको अगर न्यू रिजीम में जाना है तो आपको बोलना पड़ता था कि न्यू रिजीम मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है तो आई वॉन्ट टू ऑफ फॉर अ न्यू रिजीम। बट अभी उल्टा कर दिया है, आपका जो बाय डिफॉल्ट वो बोल रहे हैं कि न्यू रिजीम से आपका टीडीएस वगैरह कैलकुलेट होगा अगर आप सैलराइड हो,
बट अगर आपको डिडक्शन वगैरह क्लेम करना है और आपको लग रहा है आपके लिए ओल्ड रिजीम फायदेमंद है, तो आपको वो स्पेसिफिकली ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन प्रोफेशनल हो तो आपको एक ही बार ऑप्शन मिलेगा कि आपको न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम में जाना है। ये ऑप्शन वापस ये टाइम खोल दिया गया है। लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने प्रियंका बोला था कि अगर आप एक बार बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, अगर आप एक बार चूज कर लेते हो कि आपको न्यू रिजिम में जाना है, फिर आपको वापस हर साल शिफ्ट नहीं कर पाओगे। पर सैलरी वालों के लिए हर साल ये शिफ्ट करना पॉसिबल था और अभी भी है। बट जो बिजनेस और प्रोफेशन वालों को लगता है आफ्टर ये जो चेंजेस गवर्नमेंट ने ये टाइम दिए, अगर वो बेनिफिशियल है तो वापस से वो ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम के बीच में शिफ्ट हो सकते हैं। चलिए, ये अब ये मैं बताइए कि हम कैसे सिलेक्ट करें कि हमें न्यू रिजीम में रहना है, जाना चाहिए, या फिर हमको ओल्ड रिजीम में रहना चाहिए। क्योंकि मैं जैसे अभी ओल्ड रिजीम में हूँ, क्या मुझे न्यू रिजीम सोचना चाहिए, कब सोचना चाहिए, किस आधार पर मुझे ये डिसाइड करना होगा? मुझे लगता है पूरा इंडिया अभी तक बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह पढ़ चुका होगा। बट मैंने खास ये शो के लिए एक चार्ट प्रिपेयर किया है प्रियंका। मुझे लगता है वो चार्ट देखने के बाद, और ये शो जो भी देख रहे हो और ये शो जितने भी लोग शेयर करेंगे आफ्टर दिस चार्ट, मुझे लगता है उनको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि उनको ओल्ड में जाना चाहिए या न्यू में जाना चाहिए। मैंने उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि आपको कोई टैक्स भी कैलकुलेट नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आपके जो डिडक्शंस या आपके जो अलाउंसेस है ये अमाउंट से ज्यादा है कि नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए देता हूं, समझिए किसी का 7 लाख रुपए इनकम है, ठीक है, और समझ लो उसका सैलरी इनकम 7.5 लाख रुपए है। एक चेंज इंपॉर्टेंट ये हुआ है कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले सिर्फ ओल्ड रिजिम में मिल रहा था, अभी वो न्यू रिजिम में भी मिलेगा। तो अगर आपका 7.5 लाख रुपए इनकम है, उसमें से 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल दीजिए तो आपका हो गया 7 लाख रुपए इनकम। अब गवर्नमेंट बोल रही है अगर आपका 7 लाख रुपए इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको 7 लाख के नीचे और 7 लाख तक आपको रिबेट मिलेगा और आपको इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा। बट मैंने क्या कैलकुलेट किया है इसमें, अगर मैं ओल्ड रिजिम में हूं और मेरे पास समझो तकरीबन 2 लाख के अलावेंसेस है, जैसे एचआरए है, मेरे पास कुछ एटीसी डिडक्शन है, एटीडी डिडक्शन है, और वगैरह वगैरह है जिसको मैं बेनिफिट लेना चाहता हूं। अगर वो प्रियंका 2 लाख तक मेरे पास है और मेरी इनकम 7 लाख है तो दोनों में टैक्स इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि 7 माइनस 2 और 5 लाख वो आपका हो गया ओल्ड रिजिम, और ओल्ड रिजिम में भी 5 लाख तक रिबेट के साथ कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने हर लेवल का इनकम का कैलकुलेट किया है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख। और एक एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करने के लिए प्रियंका मैं ऐड करना चाहूंगा, समझो किसी का बिजनेस है, प्रोफेशन से इनकम 10 लाख है, अगर किसी का सैलरीड इनकम है तो उसको इधर 10.5 लाख कंसिडर करेंगे, क्योंकि 10.5 लाख में से मैंने 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल दिया है। तो अगर आपका 10 लाख इनकम है, आपको कोई भी तरह का कैलकुलेशन नहीं करना है कि न्यू में ओल्ड में कितना आएगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके जो डिडक्शन अलाउंसेस है वो क्या 2,65,000 के ऊपर है या नहीं। अगर वो एग्जैक्ट 2,65,000 है तो दोनों में आपका टैक्स सेम आएगा, उसको हम ब्रेक इवन बोल रहे हैं। अगर 2,65,000 से कम डिडक्शन आपके पास है तो आपको बेनिफिशियल रहेगा कि आप न्यू रिजिम के साथ जाइए, उसमें आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा। और 2,65,000 के ऊपर आपका 100 रुपये या 1,000 रुपये भी ज्यादा है तो आपके लिए ओल्ड रिजिम बेटर रहेगा। इसीलिए मैं जो चार्ट दे रहा हूँ उसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं चाहिए, सिर्फ आपको आपका सैलरी स्लिप देखना है, आपका इन्वेस्टमेंट देखना है कि आपको एटीसी एटीडी आपके पास क्या है और आप क्या लेना चाहते हो। तो इस हिसाब से मुझे लगता है काफी सारे आंसर्स इससे ही सॉल्व हो जाएंगे प्रियंका, कि आपको न्यू रिजिम में जाना चाहिए या ओल्ड रिजिम में। तो देखिए, आपके सामने ये चार्ट है जो हमारे लिए निमित ने स्पेशली बनाया है, और निमित ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए मैं 8 लाख वाला स्लैब, आपको 8 लाख की इनकम वाला स्लैब अगर बताती हूँ, तो 8 लाख अगर आपकी इनकम है और आप डिडक्शन वगैरह ले रहे हैं, यानी आप इन्वेस्ट करते हैं, उसकी छूट वगैरह ले रहे हैं, तो 1,87,000 रुपये का अगर आप डिडक्शन ले रहे हैं तो ओल्ड और न्यू दोनों में आपका टैक्स बिल्कुल सेम होगा। तो 1.87 लाख का अगर आप डिडक्शन वगैरह ले रहे हैं तो आप ओल्ड में रहें या न्यू में रहें, इनफैक्ट आपको ओल्ड में ज्यादा फायदा है, लेकिन हाँ, इससे अगर आपका डिडक्शन ज्यादा जाता है तब आप कहेंगे कि आपको ओल्ड में रहना चाहिए, राइट? परफेक्ट परफेक्ट बोला प्रियंका, आपने एकदम क्लेरिफाई कर दिया जो मैं पॉइंट कहना चाहता। तो वो सारे जो है आपको बता रही, ये आप डिडक्शन से तय कीजिए, अगर आप डिडक्शन और छूट ले रहे हैं तो ओल्ड में रहिए,
और अगर आपके डिडक्शन और छूट जो है आपको उसमें पुराने में भी उतना ही टैक्स बचा रहे हैं, नए में भी उतना ही, तो आप नए में शिफ्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली डिडक्शन के आधार पर आप ये फैसला ले लेंगे। एक बात, कल जब हम FM को भी सुन रहे थे तो उन्होंने जैसे एक एग्जाम्पल दिया कि आपका जो टैक्स था, अगर आपके टैक्स में वो बता रही हैं कि बहुत बड़ा जो है आपको गैप दिखेगा। उन्होंने एक इनकम के बारे में बताया कि कैसे आपका पहले आप जो टैक्स दे रहे थे वो 45,000 पहुंच जाएगा 60,000 से, अगर आपकी 9 लाख की इनकम है। आप इससे कितने सहमत हैं? क्या ऐसा होगा क्या कि हमें टैक्स में बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, अगर हम न्यू में जाएंगे तो हमें कम टैक्स देना पड़ेगा? यस प्रियंका, जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया वो एकदम करेक्ट दिया है, क्योंकि पहले कैसा था, दोनों के स्लैब रेट में डिफरेंस था, पर अभी उनको 3 लाख तक छूट दे गई है। और सिंपल, अगर न्यू स्लैब याद भी रखना है तो बहुत सिंपल है, 0 to 3 नॉट एक्स, 3 to 6 हर 3 लाख ऐड करते जाना है, मतलब 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, और 5% से आपका हर स्लैब में टैक्स बढ़ता है। तो वो स्लैब में छूट के कारण, प्लस आप सैलराइड हो तो आपको पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था न्यू रिजिम में, अभी वो मिल रहा है। वो पकड़ के जो अपने हमारे FM ने जो एग्जाम्पल दिया है वो राइट है, कि अगर पहले 9 लाख का इनकम था तो उसमें तकरीबन आपका कुछ अमाउंट से टैक्स बच रहा है जी, पर अगर वापस के आसपास का टैक्स लगता था वो 45,000 हो जाएगा, 15,000 रुपए उधर बच रहे हैं, बिल्कुल है। पर अगर आपके पास डिडक्शन और एग्जेम्पशन, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, अगर आपका 9 लाख की इनकम है और आपके पास एक्चुअली 2,38,000 जितने डिडक्शन और एग्जेम्पशन है, प्लस आपके पास अलाउंसेस है, जैसे आपका HRA बहुत कॉमन है, सबके पास होगा जो कोई जॉब कर रहा है, बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि आप ATC, ATD वगैरह में निवेश करते हो और उसका डिडक्शन लेते हो, तो अगर आपके पास ये मौजूद है तो फिर भी आपके लिए ओल्ड बेटर हो सकता है। तो ये देखना बहुत जरूरी रहेगा। ऑफ कोर्स न्यू रिजिम को पुश कर रहे हैं तो उन्होंने उनका फायदा दिखाया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट आपको आपके पर्सनल फाइनेंस में और आपका पर्सनल टैक्स कैसे देखना है वो भी हम लोगों ने बहुत क्लियर तरीके से आपको देखना है। अपने डिडक्शंस आप कौन कौन से छूट ले रहे हैं उसके आधार पर। नितेश, मैंने कहा था रिबेट, अब इसको भी लेके बहुत कंफ्यूजन है। एक तो लोग रिबेट और डिडक्शन को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, और लेकिन अब रिबेट जो है, अगर आप पुरानी स्कीम में हैं तो 5 लाख तक की आपकी इनकम है तो आपको एक रिबेट मिल रहा है, और अगर आप नई स्कीम ऑप्ट करेंगे तो 7 लाख तक की इनकम पर आपको एक रिबेट मिलेगा। रिबेट का मतलब समझाइए, क्या होता है ये रिबेट? आपने जैसे बोला रिबेट और डिडक्शन, काफी लोग इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं या कंफ्यूज होते हैं, तो बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि अगर जो आपके डिडक्शन हम बात कर रहे थे वो ATC, ATD वगैरह के हो गए, जिसका आप एक छूट लेते हैं, बराबर है। पर इधर क्या है, रिबेट का मतलब बहुत ही सिंपल है कि गवर्नमेंट को, किसी को ऐसा भी लगा प्रियंका जब कल अनाउंसमेंट हुआ कि 7 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है, सबको ऐसा भी लगा, पर ऐसे नहीं गिना जाता है। अगर समझो आपका इनकम 7,05,000 भी है, या 7,01,00 रुपये है, या 7,01,000 रुपये भी है, तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1,000 रुपए के ऊपर टैक्स भरना है और 7 लाख तक आपको छूट मिल जाएगी, ऐसे नहीं है। जब रिबेट का कैलकुलेशन होता है तो आपको देखना है कि जो 7 लाख तक की आपकी इनकम है तो उनके नीचे नीचे वालों को टैक्स तो कैलकुलेट करना है। जैसे आप नया रिजिम चूज करते हो तो 0 to 3 में आप कोई टैक्स नहीं भरोगे, पर 3 से 6 में आप 5% टैक्स भरोगे, वो आ गया 5% ऑफ 3 लाख, विच इज 15,000। फिर आप 6 से 7 लाख तक आप काउंट करोगे, क्योंकि आपकी इनकम समझो 7 लाख तक है, तो 6 से 7 लाख तक आपने टैक्स कैलकुलेट किया, वो है 10% के हिसाब से, तो हो गया वो 10,000 रुपए। तो इस हिसाब से उनको लगभग 25,000 रुपए का टैक्स आता है, पर सामने वो बोल रहे हैं क्योंकि आपकी टोटल इनकम 7 लाख के नीचे है, आपको टैक्स भरना पड़ रहा है 25,000, पर हम आपको 25,000 का रिबेट देते हैं, तो आपको अभी कोई टैक्स नहीं भरना है। पर मानो कि मेरी इनकम 7,01,000 हो गई, ठीक है, तो मुझे 1 रुपए का भी रिबेट नहीं मिलेगा और मुझे पूरा टैक्स भरना पड़ेगा, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया 3 से 6 लाख पे, और 6 लाख से 7,000 7 लाख के ऊपर के जो भी अमाउंट है उसके ऊपर। तो रिबेट बहुत ही सिंप्लीफाइड, आपकी इनकम 7 लाख या उससे कम है तो आपको ये छूट ही कहेंगे ना, छूट है, आपको ये 25,000 का टैक्स नहीं भरना है, लेकिन आपको रिटर्न भरना होगा, रिटर्न भी भरना होगा, और आपको टैक्स भी कैलकुलेट किया और आपको पता चला कि हाँ 7 लाख के नीचे हूँ इसलिए। तो जैसे मैंने बोला, आपका अगर 7 लाख के ऊपर कुछ भी इनकम है तो रिबेट आपको नहीं मिल रहा है।
ठीक है, तो ये अच्छी खबर है जिनकी इनकम 7 लाख है। कम इनकम वाले लोगों के लिए ये खबर है कि उनको अब 25,000 की एक टैक्स की छूट मिलेगी, 7 लाख से अगर आपकी कम इनकम है और आप नई रिजीम को चूज करते हैं, और पुरानी रिजीम है तो 5 लाख के तक के इनकम वालों को ये छूट मिलती है। रिबेट 87A इसका फायदा है। कुछ लाइव क्वेश्चंस जो हैं वो अब लेते हैं। अभिषेक हुरकत, हेलो अभिषेक जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस लाइव। अभिषेक पूछ रहे हैं, इज डिडक्शन अंडर 80CCD 1B अवेलेबल और नॉट? जहाँ तक मुझे समझ में आता है 80CCD 1B है NPS वाली, तो फिर ये अभिषेक पूछ रहे हैं कि या NPS के तहत जो एडिशनल 50,000 की छूट मिलती थी वो नई रिजीम में मिलेगी? अच्छा, अभी NPS दो तरीके से प्रियंका जमा होता है। एक तो हम 50,000 रुपये एडिशनल डिडक्शन डालते हैं, और दूसरा हो गया कि एम्प्लॉयर के पास भी एक ऑप्शन होता है कि हम उनके पास एक जैसे EPF होता है उसे NPS भी, उनके तहत हम लोग अपनी सैलरी में एक पोर्शन NPS में डाल सकते हैं। तो न्यू रिजीम में सिर्फ जो एम्प्लॉयर वाला कॉन्ट्रीब्यूशन है टू NPS इज अलाउड एंड नॉट दिस वन। तो ये 50,000 रुपये जो आप जमा करेंगे आपकी ओर से NPS में, वो आपको न्यू रिजीम में छूट नहीं मिलेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इसके अराउंड, क्योंकि दोनों NPS ही है प्रियंका, बट जो एम्प्लॉयर वाला NPS वाला सेक्शन है उसके तहत आपको न्यू रिजीम में पहले भी छूट मिलती थी, अभी भी छूट मिलेगी। पर आप जो 50,000 डालेंगे, जो एडिशनल डिडक्शन की बात कर रहे हैं 80CCD वाली, उसमें आपको छूट नहीं मिलेगी न्यू रिजीम। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयर अगर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा तो वो नई रिजीम में मुझे उस पर छूट मिलेगी। यस, ओके, और अगर मैं खुद कर रही हूँ तो मुझे जो एडिशनल छूट मिलती थी 50,000 की जो मैं ले सकती थी ओवर एंड अबव, वो नहीं मिलेगी। ये लास्ट ईयर भी था पर लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया था। अभी जब चर्चा आ रही है तो लोग थोड़ा और कॉशियस होकर न्यू रिजीम को देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर सिर्फ 5 लाख लोगों ने ही न्यू रिजीम ऑप्ट की थी। इसीलिए ये टाइम गवर्नमेंट ने थोड़े उनको बेनिफिट और दिए हैं कि और लोगों को न्यू रिजीम की तरफ अट्रैक्ट कर पाए। बिल्कुल, केवल 5 लाख लोगों ने न्यू रिजीम के लिए ऑप्ट किया था। नतीजा है कि इसको अट्रैक्टिव बना रहे हैं।